भारत माता के भारत माता के भारत माता के भारत माता के। कुछ दिनों बाद वे अपने भाई की शादी के मौके पर घर आने वाले थे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, बल्कि ताबूत में बंद उनका पार्थिव शरीर घर पहुंचा। कालचीनी ब्लॉक के तलसिंह पाड़ा गोपाल बहादुर बस्ती के निवासी 33 वर्षीय वीर जवान रानू मगर जम्मू कश्मीर के कारगिल में भयानक बर्फीले तूफान की चपेट में आने से शहीद हो गए। वे भारतीय सेना की गोरखा रेजिमेंट में नायक के पद पर कार्यरत थे। शहीद जवान रानू मगर का पार्थिव शरीर आज उनके पैतृक गांव पहुंचा, जहां हर किसी की आंखें नम थी। पारिवारिक सूत्र के अनुसार 11 नवंबर की शाम को वे कारगिल में ड्यूटी पर तैनात थे, तभी अचानक भयानक बर्फीले तूफान की चपेट में आने से उनका शरीर बर्फ में दब गया था। उसी दिन उनका शव बर्फ के अंदर से निकाला गया। इस बीच 12 नवंबर की शाम को उनके परिवार के पास उनकी मौत की खबर आई। रानू मगर के घर में उनके पिता, माँ, पत्नी, दो बच्चे और एक भाई है। शहीद रानू मगर के भाई भानु मगर की शादी 4 दिसंबर को है। रानू मगर 16 नवंबर को अपने भाई की शादी के मौके पर घर आने वाले थे। पूरा परिवार उनके घर लौटने की राह देख रहे थे, लेकिन आज ताबूत में बंद उनका पार्थिव शरीर घर पहुंचा। परिवार का रो रो कर बुरा हाल है, वहीं पूरे तलसिंह पाड़ा में शोक का माहौल है। इतना ही नहीं, व्यवसायियों ने अपनी दुकानें भी बंद रखी है। दूसरी तरफ उनकी एक झलक पाने के लिए तलसिंह पाड़ा में लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। शहीद जवान को अंतिम विदाई देने के लिए आज राज्यसभा सांसद प्रकाश जिगबड़ाई, कालचीनी के विधायक विशाल लामा, जिला परिषद सदस्य गंगा प्रसाद शर्मा, कालचीनी वीडियो सहित अन्य लोग मौजूद थे। कालचीनी ब्लॉक के दलसिंह पारा तोरसा नदी घाट में राजकीय सम्मान के साथ आज शहीद जवान का अंतिम संस्कार किया गया।
50,000 लोगों को अपनी मंजिल से है जोड़ा। नई उत्साह के साथ आए हैं फिर से थामने आपका हाथ श्री शांति होंडा।